बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम एतजाज फैसल है और ब्रॉडवे स्टेट एंड मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजीन, आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए। इसमें मैं हार्ट टू हार्ट डिस्कशन भी करूंगा और काफी सारी चीजें हैं जो मैंने आपके लिए रखी हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एक बहुत एक ऐसी चीज जो मैंने विटनेस की है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। उमूमन मैं ये कहता नहीं होता लेकिन आप कोशिश करें कि आप इस वीडियो के लिए टाइम निकालें और इसको एंड तक देखें। नाजिन, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर काफी सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले कमर्शियल वालों को बताता चलूं कि 12 को जो है वो एक दफा रिमाइंडर मैं आपको देता चलूं कि 12 तारीख को बैलेट होने लगा है और 11 तक जो है वो आप तमाम तर ड्यूज को क्लियर करें और इस बैलेट में लाजमी पार्टिसिपेट करें। ये नंबर बैलेट है और इसके अंदर आपको फिर वाजे तौर पर अर्ली बर्ड और ए साउथ के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका प्लॉट कहाँ पे फॉल करेगा। तो टिल डेट अपने ड्यूज को क्लियर करें ताकि आप इस बैलेट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा नाजीन, एक तो चीज में मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं स्टार्ट कार्ड से करूं लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखें, काफी सारे ऐसे लोग हैं, काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं और मोस्टली यूट्यूब वगैरह से जो लोग हजरात आते हैं उमूमन वो लोग वो वर्किंग क्लास होती है और वो लोग हजरात होते हैं जो कि ओवरसीज स्पेशली होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जो कि उमूमन यूट्यूब के ऊपर सर्च करके जो है वो वीडियोज वगैरह देख रहे होते हैं। तो वो वर्किंग क्लास ज्यादा होती है और वो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी उनको रिटर्न इसके ऊपर मिलेगा। अच्छा, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं तो आप उमूमन अपने माइंड को रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और आप शॉर्ट टर्म कंसीडर करते हैं 6 महीने साल में। आपको ये बात 100% मैं इस चीज से अग्री करूंगा कि काफी ज्यादा मिस गाइडेंस भी होती है और वो हमारे एंड से होती है और काफी सारे लोग होते हैं जो कि आपको क्लियरली तौर पर नहीं बता रहे होते हैं। उस वक्त उनका सिर्फ और सिर्फ यही होता है जो उनको उनकी कंपनी की तरफ से या उनका जाती टास्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसको अचीव करने के ऊपर लगा देते हैं और वो आपको बताते हैं कि बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। एक फोमो क्रिएट करते हैं, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि हर मार्केटिंग जो भी पढ़ रहा होता है या जो भी सीख रहा होता है उसको बताई जाती है, उसको सिखाई जाती है कि वो एक ऐसा माहौल बना दे जहाँ पे आपको लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर ये मैंने नहीं लिया तो जो है वो मैं बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा और उसके बाद मेरे पास मौका नहीं मिलेगा। तो आपको मौका जिंदगी बार बार देती है और अल्लाह ताला आपको मौका देता रहेगा। ये चीज ऐसी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के तहत बताना चाह रहा हूँ या फिर ये पहली वीडियो है मैं इसमें इस तरह की बात कर रहा हूँ। जब ये प्रोजेक्ट न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान स्टार्ट हुआ था और हमने देखा था कि प्राइस आए और एक बेतहाशा एक हाइप क्रिएट की गई थी और हाइप थी और उस हाइप के अंदर जो है वो इस तरह से लोग जो है वो ले रहे थे बेचारे जिनको मतलब समझ नहीं पा रहे थे। तो उस वक्त भी मैंने ये चीज वाजे की थी कि आप ऐसा मत करें कि अगर आप मिस कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। आपने देखा अब तक 7 8 9 महीने हो गए कमोबेश और इसके अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटी, स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती चली जा रही हैं और आगे भी मिलती जाएंगी क्योंकि तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको डेवलप होने में इसके अंदर सारी चीजें आने के अंदर टाइम लगता है और टाइम लगेगा भी। नाजीन, आप कोई भी घर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो 5 मरला 10 मरले का घर बनाते हैं अपनी जाती नौयत के लिए तो भी आपको काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और इनिशियल बेसिस पे कर रहे होते तो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा सा कम करनी पड़ती है लेकिन उसमें भी आप 4 5 6 महीने ले लेते हैं और फिर जाके आपके मुताबिक वो चीज प्रोडक्ट आपकी रेडी होती है जहाँ पे आप अपनी पसंद से रहना पसंद करेंगे। ये प्रोजेक्ट है, इसको बनने में टाइम लगेगा और इस तरह के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बनने में टाइम लगेगा और टाइम लगता है। उमूमन किसी भी जगह पे अगर आप इनिशियल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप अपने माइंड सेट को 3 4 साल का मिनिमम रखें, एटलीस्ट जितना पेमेंट प्लान है उतना तो आप रख ही रखें। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता चलूँ बलून पेमेंट की तो वो सोसाइटी ने ज्यादा की है और इसके बाद जो ज्यादा की है वो एंड में भी मैं बताऊंगा जो कि मैंने अभी रिसेंटली विटनेस की है। जो भी चीजें होती हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं वाजे तौर पे जो है वो रख सकूं क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं और वो चीजों को रिकग्नाइज करते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स भी हमारा ओपन है, आप जैसा बेहतर समझते हैं आप हमसे राय ले सकते हैं। आपको अगर मशवरा चाहिए और आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, आपको लगता है कि आप स्टॉक हो चुके हैं तो भी अगर आप चाहते हैं कि हेल्प की जरूरत हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें किसी मतलब कोई इसलिए पैसों के लिए नहीं बल्कि आप हमसे रابطہ कर सकते हैं और हम आपको बिल्कुल सजेशन देंगे अपनी और अपनी राय देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि क्या आपको करना चाहिए। और ऐसा हम करते भी हैं उमूमन, जितनी हमने फाइल्स नहीं सेल की है उससे ज्यादा तो लोग हमारे साथ इसी तरह से रابطے में हैं और हमें बड़ा प्राउड है और हम कोशिश यही करेंगे कि आपको उसी तरह की सर्विसेज फराहम की जाए। नाजीन, एक बलून पेमेंट वाली जो सोसाइटी ने विद इन द 1 ईयर वाला जो सीन था उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा की है और उसमें जो है वो हमने क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया। लेकिन अब दूसरी साइड पे अगर बात की जाती है उसका क्या नाम है बैलेटिंग अमाउंट की, तो बैलेटिंग अमाउंट तो वाजे थी ना आपको कि जब आपने बैलेट हो जाएगा तब आपने पेमेंट करनी है। तो वहां पर सोसाइटी
एक तरह से ऊपर है, और सोसाइटी ने जो है वो डिलीवरेंस आपको चाहिए थी, तो दिखाने के लिए अब 8-9 महीने के अंदर सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ आ चुका हुआ है। तो इनिशियल बेसिस पे इन्वेस्टर तो मुतमईन नजर आ रहे हैं। अभी भी अगर आपके पास प्लॉट आ जाता है, अर्ली बर्ड को मत देखें, अर्ली बर्ड का तो भी लोगों ने ही क्रिएट करते हैं हाइप सारी, और सारे इन्वेस्टर ही इसके अंदर जितना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, जितने सारे लोग आ जाते हैं, तो वो उसी तरह से हाइप जो है वो क्रिएट होती रहती है, फोमो क्रिएट होता रहता है, और चीजें जो है वो हाथ से ऐसा लगता है कि निकल रही है और इसके बाद मौका नहीं मिलेगा खुदा ना खास्ता, तो ऐसा होता नहीं है। अभी भी अगर आपके पास ये साउथ का प्लॉट आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप चेक करें कि मेरी प्राइस कितनी हो गई है। मोस्टली लोग यही करते हैं, जैसे उनके पास प्लॉट आ गया अब वो चेक करने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, 10 लोगों में सर मेरे पास प्लॉट है मुझे बताएंगे क्या उसकी उसकी वैल्यू आ गई। तो वैल्यू बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक इसके अंदर लोग नहीं आ जाएंगे, जब तक थोड़ा सा और स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, थिंग्स टेक टाइम। अभी 1 साल के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी 2 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम देंगे तो ही सारी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। बाकी जो जिस तरह से हो रहा है इस हवाले से, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है वो हमसे हेल्प लें अगर आप जरूरी समझते हैं तो, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कि डीलर्स के एंड से हुई हैं, ठीक है, मैं आपको बताता चलूं, उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आपको गाइडेंस उस तरह से नहीं होती, आपको इतना आइडिया नहीं होता। जाहिर सी बात है, आप अपनी अपनी फील्ड के अंदर होते हैं, आप वीडियो देखते हैं, आप देखते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा इसके अंदर, और आप अपनी सतह से बढ़कर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये तो एक यूनिवर्सल रूल है कि आप कभी भी अपनी सतह से बढ़कर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो आप कर ही नहीं सकते कि आप अपनी आप 10 लाख की एक सतह रखते हैं तो आप 10 के 10 इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपको हमेशा जो है वो अपने लिए थोड़े से पैसे रखने पड़ते हैं ताकि आप बाद में जो है वो चीजों को चला सकें। लेकिन काफी ज्यादा लोग इसमें स्टक हुए, फिर उसमें मर्जिंग पॉलिसीज में आए और निकले और एग्जिट लिया, और उसके बावजूद विलिंगली जो है लोगों ने 75,000 रुपए का नुकसान इतनी खुशी खुशी किया 5 मरले के ऊपर, कि जैसे वो एक रिलीफ पॉइंट में आ गए, उनको एक सुकून मिल गया। अब 2-3 चीजें हैं मैं आपके साथ बताता चलूं। नंबर 1 ये कि जिनकी एडजस्टमेंट हो गई है, एडजस्टमेंट से मुराद ये कि जिनकी सॉरी फाइल मर्ज हो गई है, फाइल मर्ज हो जाने के बाद उनको तो सोसाइटी ने फिर कंसीडर ही नहीं किया कि अब उनको मजीद पैसे देके वो किसी तरह भी आगे वाले ब्लॉक में आ सके, क्योंकि उनके तो पैसे आ गए सोसाइटी के पास, तो सोसाइटी को तो कोई इसमें मसला ही नहीं, उन्होंने पैसे ले लिए, वो 2-3 लाख रुपए के पीछे आगे वाला ब्लॉक नहीं देने वाले, उन्होंने कह दिया कि आपको डी ब्लॉक में ही फेंकेंगे या सी ब्लॉक में फेंकेंगे, तो ये चीज क्लियर हो गई। सेकेंड चीज ये कि वो हजरात जिन्होंने फुल पेमेंट पे सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, ये साउथ के अंदर गए थे जब सोसाइटी ने ऑफर किया 10%, 12% जितना भी, तो वो ए साउथ के अंदर आ गए। अब ए साउथ के अंदर आने के बाद हुआ ये कि अब वो सोसाइटी ने उनसे भी पैसे ले लिए, उनके पास पैसे आ गए सोसाइटी के पास। अब पैसे आ गए हैं तो अब वो शख्स जिसके पास ए साउथ का प्लॉट वैलिड भी, जाहिर सी बात है उसको वैलिड भी हो गया, उसको प्लॉट नंबर भी मिल गया, स्ट्रीट नंबर भी मिल गया, अब वो मुतमईन नहीं है। लेट्स सपोज वो चाहता है कि वो कैटेगरी प्लॉट की तरफ जाए, तो जब वो सोसाइटी से रابطہ करता है तो सोसाइटी कहती है कि भाई हम आपको इस तरह की कोई चीज ऑफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सेकेंडली दूसरे एंड पे हम ये चीज देखते हैं कि सोसाइटी उन हजरात को जो कि सी ब्लॉक में बैलेट हुए थे या बी सेंट्रल में बैलेट हुए थे या बी में भी बैलेट हुए थे, क्योंकि लोग तो थोड़ी सी बेवकूफी कर जाते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता कि वो ऐसा समझते हैं जैसे ए साउथ बहुत आगे आ जाएगा और बी सेंट्रल या बी बहुत पीछे चले जाए, हालांकि कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल मिड में खड़े होंगे तो सारे ब्लॉक्स आपको यूं नजर आ रहे होंगे, लेकिन जल्दी है पैसे कमाने हैं और समझ में नहीं आता चीजों को, तो लोगों को ये ऑफर की जा रही है कि आप बी सेंट्रल से ए साउथ के अंदर आ जाएं या इवन बी से भी ए साउथ के अंदर आ जाएं। अब बी से ए साउथ के अंदर आ जाएं तो वो प्लॉट्स कहाँ से देगी सोसाइटी? प्लॉट वो वाले देगी जो हजरात अपनी पैसों को नहीं पूरा कर रहे हैं, जो हजरात अपनी बैलेटिंग अमाउंट नहीं दे रहे हैं, जो हजरात अपनी बलून पेमेंट नहीं दे रहे हैं और वो बैलेटेड थे ए साउथ के अंदर, उनके फिर आपको पीछे धकेल दिया जाएगा और आपकी जो चीजें थी वो दे दी जाएगी उन हजरात को जिनके पास पैसे हैं, जो हजरात अफोर्ड कर सकते हैं, जो हजरात होशियार हैं, जो हजरात बेवकूफ हैं, इन तमाम लोगों को वो सारी चीजें ऑफर की गई हैं। और ऑफर की गई है के साथ साथ जब वो बंदा कहता है कि मुझे बी सेंट्रल से ए साउथ में आ जाऊंगा मैं, ठीक है, और आई एम गुड विद इट, मुझे आप कैटेगरी प्लॉट दें, तो उस वक्त उसके लिए कैटेगरी की अवेलेबिलिटी भी निकल रही है, और वो इसलिए निकल रही है क्योंकि उसके पास एक गैप है, क्वेश्चन है, जो कि उसने फंड्स देने हैं, वो सोसाइटी को फंड्स देगा तो उसके लिए कैटेगरी प्लॉट अवेलेबल है, जबकि वही बंदा जो कि ए साउथ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लॉट है उसका, वो सिर्फ जो चाहता है कि वो एडिशनल अमाउंट दे, 10% आपको एक्स्ट्रा दे, लेकिन वो 10% एक्स्ट्रा देके कैटेगरी प्लॉट ले ले तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो कि ये बहुत ज्यादा एक ज्यादती है और एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना चाहिए ताकि लोगों को वाजह तौर पर पता चल सके। मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जाती है और कहाँ तक नहीं जाती, लेकिन ये चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए भी यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लालच ना करें, ईजी रहें, सुकून में रहें, टाइम दें चीजों को। अब देखें इस वक्त मैं फिर वही बात है, सारी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि खुद भी पॉजिटिव रहूँ और आप लोगों को भी पॉजिटिव रहूँ, लेकिन फैक्ट्स यही है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस में गुजर रहा है,
आपको अभी चीजों को होल्ड करना पड़ेगा। इस वक्त तो मैं कोई भी चीज सेल करने के हक में हूं ही नहीं। परचेज करनी है, ओके, सेल ना करें। आपकी जो पुरानी चीजें हैं, मेरे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जिनकी कुछ चीजें कहीं और पड़ी हुई हैं और वो चाहते थे कि वो वहां से सेल करके यहाँ पे इन्वेस्ट करें या कहीं और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने उनको कहा कि सर वो इन्वेस्टमेंट ना निकालें, आप वहां से लॉस करने के लिए यहाँ से प्रॉफिट के चक्कर में आएंगे तो वो फायदा नहीं है, वो बैलेंस हो जाएगी चीजें। यहाँ बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे मुताबिक अभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई और चीज ना सेल करें। मजीद गुंजाइश बनती है तो करें, नहीं गुंजाइश बनती तो ईजी होके चलें, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम दें। तकरीबन साल होने लगा है और साल में काफी कुछ नजर आने लगा है आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, 1-1.5 साल और लगेगा, तो चीजें और खुलती चली जाएंगी। लोग जैसे ही बसना शुरू हो गए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट होता क्या है। अभी आप सिर्फ प्लॉट नंबर लगने के बाद एक काउंटर चेक करते हैं, आप 10 डीलरों को भेजते हैं और वो आपके उसके ऊपर ऑफर लेके देते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि ये तो बहुत कम है या ये तो ऐसा है। तो आप अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और सामने वाले के टाइम की भी कदर करें। आप सिर्फ टेस्टर ना मारें, आप कोशिश करें कि आप अपनी चीजों को होल्ड करें। जब आपकी चीजें मजीद बेहतर होती चली जाएंगी, आप कोट करवा दें जिनको करवाना चाहते हैं। जब चीजें बेहतर होंगी, जब जैसे अर्ली बर्ड का प्रॉफिट है उस तरह का प्रॉफिट ए साउथ के ऊपर भी आएगा, तो तब सेल करिएगा। अभी क्या आप 50,000 लाख रुपए ज्यादा में सेल कर देंगे? तो वो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो 10% वाले भी हैं जिन्होंने 10% डिस्काउंट अवेल किया था 5 मरले पे 2 लाख रुपए का राउंड, तो अगर वो लेवल पे भी सेल करते हैं इस वक्त की सिचुएशन के अंदर मैप आने के बाद, तो 2 लाख का उनको फायदा है। ठीक है, लेवल के ऊपर भी अगर वो निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो फुल पेमेंट पे 2 लाख का एडवांटेज लिया था। तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा होल्ड करें, अर्ली बर्ड वाला जब मजे का कोई प्रॉफिट आए तो तब उस चीजों को निकालें, और कोशिश किया करें कि सामने वाले के टाइम को बहुत वैल्यू करें, और जिस तरह से वो आपके टाइम को वैल्यू करे आप उस तरह से उसके टाइम को वैल्यू करें। बाकी अगर आपको कोई चीज बुरी भी लगी हो या अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मेरा जो है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, आप वहां पे जाके व्हाट्सएप विंडो में आ सकते हैं, वहां पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरीज है आप पूछ सकते हैं, कोई मशवरा चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा नाजी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।